सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बांदा में आज एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के युवकों द्वारा सोच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। मौके पर फरार हो गए। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल के लिए भेजा। घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मामला तेंदुवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक 12 वर्षीय किशोरी घर से सोच के लिए खेतों पर गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और धमकाते हुए वहां से फरार हो गए। घायल अवस्था में जब किशोरी अपने घर पहुंची तो परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा, साथ ही अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। इस मामले में अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि घटना में शामिल तीनों अभियुक्त नाबालिग हैं। सभी को उक्त धाराओं में पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। कल शाम को हम लोग को सूचना मिली कि एक बालिका के साथ दुराचार किया गया, और ये घटना 14 तारीख की बताई गई थी। 14 तारीख से लेकर कल तक कोई सूचना नहीं थी, और सूचना देकर मात्र थाने से वो उसके परिजन चले गए। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, तत्काल हम लोग एक्टिवेट हुए और इस घटना का पूरा पर्दाफाश किया, जिसमें कि तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने घटना को मान लिया है। उन्होंने बताया है कि उसके साथ ये घटना की थी। तीनों के साथ आगे विधि कार्रवाई की जा रही है, उनमें से उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। क्या सर सामूहिक नहीं? देखिए, उसमें अभी तक जो हम लोगों को ये बताया गया था कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो है उसमें से, वो शामिल है, और बाकी जो लोग थे वो इस घटना में शामिल थे, वहाँ पे वो खड़े थे। तो एक तरीके से घटना में उनकी भी सहभागिता है। तो तीनों ही अभियुक्तों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उनको गिरफ्त में ले लिया गया है और आगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।